उत्तर प्रदेश के जनपद छायापुर के विकासखंड बंडा में प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा के औचक निरीक्षण से अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आए। बंडा ब्लॉक घोटालों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, जिसको लेकर छायापुर से प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने कुटार व बंडा में औचक निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुंची और यहां पर प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव के औचक निरीक्षण में शिक्षा विभाग में कई खामियां पाई गई हैं, जिसमें प्रमुख खामियां स्कूली बैग और ड्रेस वगैरह शामिल थी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल में ना तो कोई बैग पहुंचा है और ना ही किताब, जिसकी वजह से बच्चों को पुरानी किताबों से ही पढ़ना पड़ रहा है और बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। इसी बात से भड़की प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए शिक्षा स्तर पर खामियों को सुधारने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्रमुख सचिव ने एक 8वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे से एक संस्कृत का प्रश्न पूछ लिया तो वह बच्चा अध्यापिका अर्चना शर्मा का मुंह ताकता ही रह गया। तो वहीं युवतियों ने स्कूल ड्रेस में कमीशन खोरी होने की भी शिकायत प्रमुख सचिव से की है। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने कमीशन खोरी की बात को सिरे से नकार दिया। कहा कि अगर कहीं ऐसी शिकायत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी, SPHS चिनप्पा, बेसिक शिक्षा अधिकारी RP रावत, SDM और CO समेत जिले भर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी साथ रहे। शाहजहांपुर से संदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। अच्छा मैम, क्या है पूरा मामला जो स्कूल के बारे में बताया जा रहा है? किताब स्कूल वाला साहब ने 7 तारीख को गांधी भवन बुलाया था, जिसमें सिलाई मशीनें दी गई थी और समूह के नाम की लिस्ट दी थी जिसको स्कूल कौन कौन से हैं वो उसमें लिखे हुए थे। लेकिन अभी हम लोग क्या हो रहा है कि जिस स्कूल में जा रहे हैं उनसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम समूह की तरफ से आए हैं, हम नाप लेने आए हैं बच्चों को, कोटेशन दे रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास BSS साहब का लेटर आ गया है, इसमें हम लोग कहीं से भी सस्ते पर उठा सकते हैं, या तो आप लोग हमें उस सस्ते दाम पर ड्रेस दीजिए और या तो फिर आपसे हम ड्रेस नहीं लेंगे। सीधे सीधे यही बात बोल रहे हैं। कमीशन खोरी का क्या मामला है? कमीशन खोरी का वही था कि पहले ये लोग बचा लेते थे टेलर से, लोगों से मिलके जो है 120-130 रुपए में तैयार होती थी, बाकी इन लोगों का पैसा होता था, सारा रखते थे। वही चीज है, वही मांग रहे हम लोगों से भी है। क्या नाम आपने बताया आपका? मेरा नाम है नेहा है, व्यापारी स्वयं सहायता समूह, महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जय श्री राम स्वयं सहायता समूह। एक भ्रष्टाचार वगैरह और इस पे आरोप लगाए गए हैं कि इस प्रकार का, सर इस पे क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुई है। भ्रष्टाचार शब्द आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसी भ्रष्टाचार, कहाँ शिकायतें हैं, लेकिन जो ड्रेस सिलाई का कार्य है उसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति ही जिम्मेदार है, वही अपना जो है सारा कुछ क्रय कराएगी, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शासनादेश में लिखा है कि अगर ग्राम से वो विद्यालय प्रबंध समिति चाहे तो स्वयं सहायता समूह की सहायता जो है ले सकती है, ऐसा कहा गया है। और जिलाधिकारी साहब की तरफ से पत्र भी जारी है कि इन लोगों को कार्य दिया जाए, और वो ये लोग सिलाई वाला कार्य कर भी रही है जो है, और जितना सिलाई हो जाएगी उसको विद्यालयों में का दिलवा दिया जाएगा। अच्छा, इनका समूह वालों का कहना है कि जहां हम जाते हैं वहां पर ये बता दिया जाता है कि कमीशन, ऐसी फिलहाल कोई बात मेरे सामने नहीं आई है कहीं से। अगर सर ये कहां गई है, इन्होंने कोई विद्यालय का नाम बताया नहीं जो है। अगर सर आती है तो आती है तो उसकी देखा जाए, जाँच की जाएगी।